नमस्कार, स्ट्रीट बज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा साम। आगे बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सहरसा में मंगलवार से शुरू होने वाले इंटर परीक्षा के सफल आयोजन एवं विधि व्यवस्था के संदर्भ में स्थानीय प्रेक्षा गृह में जिलाधिकारी आनंद शर्मा और एसपी लिपि सिंह ने प्रतिनियुक्ति अधिकारियों के साथ जॉइंट ब्रीफिंग किया। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी भी मौजूद थे। शांतिपूर्ण माहौल में कदाचार मुक्त इंटर की परीक्षा कराने के लिए परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्ति पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। जिले में 1 फरवरी से इंटर का परीक्षा होना है। वहीं इस इंटर परीक्षा में तकरीबन 19,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे, जिसको लेकर जिले में 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4 आदर्श परीक्षा केंद्र शामिल है। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि इंटर परीक्षा को लेकर एग्जाम बोर्ड की जारी गाइडलाइंस को लेकर केंद्र अधीक्षक, दंड अधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को जानकारी दिया गया है, ताकि जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न कराया जा सके। वहीं जिलाधिकारी आनंद शर्मा परीक्षार्थियों से अपील करते हुए कहा कि आप जितना पढ़ाई किए हैं उसके बलबूते परीक्षा दें। पूरा जिला प्रशासन परीक्षार्थियों के साथ है। चीटिंग करने का प्रयास ना करें, अन्यथा प्रशासन वैसे परीक्षार्थियों के साथ सख्ती से पेश आएगी और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। जी, ये एक जॉइंट ब्रीफिंग सेशन था। एसपी मैडम और हम लोग जितने भी हमारे मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं जो इस पूरी ड्यूटी पे रहेंगे, हमारे गश्ती दल दंडाधिकारी हैं, केंद्र अधीक्षक हैं, उनको जो बोर्ड की तरफ से निर्देश आए हुए हैं, गाइडलाइन आए हुए हैं, उसके बारे में सबको बताया गया है। हमारे जितने सेंटर हैं उसमें फ्रिस्किंग बहुत स्ट्रांगली हम लोग करेंगे। सभी बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना आप पढ़ाई किए हैं उतनी पढ़ाई के साथ आप आइए, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी परीक्षा दीजिए और किसी भी तरीके की चीटिंग की चीज़ों को दिमाग में नहीं रखेंगे, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको जेल में लेके जाएगा। इसलिए जितना पढ़ाई किए हैं आप आराम से आके शांत मन से अपनी परीक्षा दीजिए, पूरा प्रशासन आपके साथ खड़ा है, लेकिन अगर कोई चीटिंग करने वाला होगा तो उसके विपरीत भी खड़ा है। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।